दोस्तों, आज की कहानी है बहु पैसे ले लूं पर दो वक्त की रोटी दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सत्य प्रकाश जी एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पत्नी गायत्री जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। स्वभाव से दोनों में छल कपट लेस मात्र का भी नहीं है। जो भी पेंशन आती है उसी से गुजारा चल रहा। घर में तीन बेटे और एक बेटी है। सभी विवाहित और अपने अपने परिवार में खुश हैं। गायत्री जी का स्वभाव ऐसा जैसे किसी देवी का साक्षात रूप। उन्हें सभी सने से अम्मा पुकारते हैं। मोहल्ले या परिवार में कोई कष्ट हो तो अम्मा याद आती हैं सभी को। पर कहते हैं ना, कितना भी हो अगर घर में विनाश होना है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती है। आखिर घर के तीनों बेटों में घर के बंटवारे को लेकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। माता पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर मति भ्रष्ट हो तो क्या समझ में आता है। हर रोज की अवहेलना और तानों से शुद्ध होकर एक दिन गायत्री जी की सदा के लिए आंखें बंद हो गई। सत्य प्रकाश जी तो अपने जीवन में अकेले पड़ गए। पत्नी के साथ रिश्ता भी तो ऐसा था, जो एक को सॉट लगे तो दर्द दूसरे को होता था। पर दुख सुख का साथी भी अब ना रहा और ऊपर से ये कलेश। धीरे धीरे समय ऐसा हो गया कि एक सत के नीचे रहते हुए भी सत्य प्रकाश जी को पूछने वाला कोई नहीं था। मंझली बहू कुछ खाने को दे जाए तो ठीक, वरना पानी पीकर पेट की भूख शांत करनी पड़ती। थोड़े समय के बाद स्थिति बदलते देख उनकी बेटी यामिनी ने अपने पास बुला लिया। दामाद जी भी बड़े ही भले इंसान थे। ससुर की हालत देख बोले, पिताजी ये घर आपका भी है। जब तक मन करे या आराम से रहे, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। खैर, सत्य प्रकाश जी को रहते काफी समय हो गया और अब उन्हें अपने घर की याद आने लगी। आखिर गायत्री जी की यादें भी तो वहां बसी थी, तो कैसे भूल सकते थे उस घर को, जिस घर की दीवारों पर उनके एहसास थे। आखिरकार सामान बांध
घर के लिए रवाना हो सले। सत्य प्रकाश जी बेटी दामाद के लाख समझाने के बावजूद वो सले गए। यहाँ आकर देखा तो स्थिति और बिगड़ चुकी थी। कोई सत्य प्रकाश जी का हाल साल पूछने वाला तक नहीं था। अब तो खाने के लिए भी सब के कमरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। किसी तरह मझली बहू से उन्होंने बोला, बहू हो सके तो पैसे ले लो, पर दो वक्त की रोटी दे दो। पर समस्या तो यही थी ना कि पैसे छोड़ो, वो तो बोझ थे। कुछ दिन पैसों के लालच में मझली बहू ने खाना तो दिया, पर पैसे लेकर वो भी मुकर जाती थी खाना देने के लिए। आखिरकार थक हार कर सत्य प्रकाश जी ने गुरुद्वारे का रुख किया। कम से कम वहां ना तो रोटियां गिनने वाला कोई था, ना ही रोटी खिलाकर एहसान जताने वाला। बेटी ने वापस बुलाने की बहुत मिन्नत की, पर दामाद का घर तो अपना नहीं होता, ये सोच कर सत्य प्रकाश जी ने मना कर दिया। कल जो सोए सत्य प्रकाश जी तो सुबह का सूरज ना देख सके। इस माया मोह की ममता से बाहर निकल चुके थे। बेटे बहू तो ऐसे शोकाकुल थे जैसे पिता के लिए जान छिड़कते हो। अपने दुख को हर आने जाने वालों को ऐसे समझाया जा रहा था जैसे इनसे बड़ा कोई पिता का हितेशी ना था जीवन में। सत्य प्रकाश जी की आत्मा भी इस ढंग को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जो जीवित रहते ना प्यार दे सके बाप को, वो अच्छे कलाकार बन दुनिया के सामने नौटंकी दिखा रहे। कोई उनके संदूक को टटोल रहा तो कोई अलमारी का सामान खाली कर कमरा हथियाना सा रहा, पर पिता के लिए सच्चा आंसू बहाने वाला कोई ना दिखा। दोस्तों यही सत्य है, आज के समय कुछ ऐसी संतानें हैं जिन्हें माता पिता बोझ प्रतीत होते हैं। उनके लिए कुछ करना उन्हें बहुत कष्टप्रद लगता है। जब तक वो पैसे लुटाते हैं बच्चों को बड़े प्यारे लगते हैं, वही जब वो उन बच्चों के आश्रित हो जाते हैं तो बोझ लगते हैं। पर क्या सच में माता पिता बोझ होते हैं? तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हमारे माता पिता बोझ नहीं होते हैं, वो हमारे जन्मदाता होते हैं।
हम हमारे माता पिता का एहसान कभी नहीं चुका पाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कभी ना करें।